आखिर मेरा पीसी वापस आ चुका है। तुम बदसूरत हो और तुम्हारे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है। सेल्फ मैस्टरबेशन यूट्यूबर्स तुम्हें मीठी गोली खिलाकर 5 मिनट की खुशी दे देंगे, पर सच्चाई तुम्हें भी पता है कि जब तुम आईआईटी जेई बिजनेस के लिए दिन रात ग्राइंड कर रहे हो, तुमसे 100 times बेटर लुकिंग मैन एक डोपामिन फील्ड लाइफस्टाइल जी रहा है। Isn't that right? जब तुम रात रात भर बैठ कर पढ़ाई के लिए बिजनेस के लिए जागे हुए हो, तब तुम्हारा 100 times बेटर लुकिंग अल्टरनेटिव हुकअप्स कर रहा है। जब तुम्हें अपनी पूरी टीन लाइफ डिवोट करने के बाद एक 15 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, तब वो बंदा जो कि तुम्हारा 100 times बेटर लुकिंग वर्जन है, वो एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम कर रहा होगा, उसको एक मॉडलिंग एजेंसी उठा लेगी। और वो साल का 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ अपने गुड जीन्स की वजह से कमा लेगा। सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगा एंड बूम, लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, वर्ल्ड टूर्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स। वेरस तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट बन चुकी होगी और तुम्हारी उम्र की लड़कियां तुम्हें अंकल बोलेंगी। योर लाइफ इज अ जोक एंड ये कोई दो राय की बात नहीं है। आई नो इस टाइम तुम्हें फील हो रहा होगा मैंने तुम्हारी सारी होप छीन ली है, बट यू नो व्हाट, लूजिंग ऑल होप वाज फ्रीडम। आई वाज 15 इयर्स ओल्ड जब मुझे ये ब्रूटल रियलिटी पता लग गई थी दैट माय लाइफ इज अ जोक। देयर आर गाइस लाइक अली जफर जो कि जिस चीज को टच करते हैं उसमें परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास गॉडली जेनेटिक्स हैं। ये जेनेटिक्स की पावर इतनी ज्यादा बड़ी है, टुडे ही इज पाकिस्तान्स वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एंड आई विल से इवन वर्ल्ड में अ वेल नोन स्टार। मॉडलिंग करनी है, डोंट वरी, तुम्हें ऑडिशंस देने की जरूरत नहीं है, मॉडलिंग एजेंसी तुम्हें खुद उठा लेगी। मुझे पहली दफा मॉडलिंग की ऑफर हुई, मैंने कहा कल हम एक शूट कर रहे, तो मैंने वो शूट किया, वहां से मुझे काम आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ। पेंटिंग करनी है, डोंट वरी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तुम में पैदा होते ही वो स्किल है पेंटिंग वाला। कोई भी चीज देख ली और उसको फिर ड्रॉ कर बना लिया। That's how I started drawing people. And you are easily able to make the best portraits. Singing करनी है? Don't worry at all. Genetically तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं कि तुम A4 का नोट भी इजिली हिट कर सकते हो, एंड वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अली जफर ने किसी भी तरह का हार्ड वर्क नहीं किया अपनी लाइफ में, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ही हैड अ मैसिव एडवांटेज। मैं पूरी लाइफ भी पेंटिंग प्रैक्टिस करता रहूंगा ना, इवन देन मैं उसके लेवल पर कभी नहीं पहुंचने वाला हूँ। मैं पूरी लाइफ भी मॉडलिंग ऑडिशंस देता रहूंगा ना, तब भी अली जफर जैसा मॉडल कभी नहीं बन पाऊंगा। पूरी लाइफ भी अगर सिंगिंग की प्रैक्टिस करता रहूंगा, कभी भी अली जफर जितनी बड़ी वोकल रेंज नहीं पा पाऊंगा। लोगों का काम है कहना। अब तुम बोलोगे तो क्या हुआ? वेल मुझे तुम्हारा पता नहीं, बट दिस वेरी सिंगल फैक्ट ईट्स मी इनसाइड आउट कि जस्ट बिकॉज ही हैज अमेजिंग जेनेटिक्स, गॉडली जेनेटिक्स, उसने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए बट उसने जनरेशनल वेल्थ एकत्रित की है। उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे कि उसके आने वाली 3 जनरेशन इजिली अपना पेट भर सकती है बिना जीवन में कभी काम किए। वेयर एज मैं चाहे कितना भी ज्यादा नौकरी की तरफ भाग लूं, कितना भी ज्यादा पढ़ाई कर लूं, पर जस्ट बिकॉज मेरी जेनेटिक पावर वीक है और मुझे कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं उठाने वाली है, मेरे को कोई सिंगिंग का टैलेंट नहीं मिला है बचपन से, यू एंड आई, तो एट बेस्ट मैं सिर्फ 30,000 ज्यादा से ज्यादा मंथ का सेव कर सकता हूँ अपने बैंक में। जस्ट इमेजिन आपको भी यही रियलिटी 15 साल की उम्र में ही हिट कर जाए तो फिर क्या होगा? देयर इज समथिंग दिस, जस्ट लुक एट दिस, बट फक देम। 5 stages of grief होगा। First comes denial, जिसमें you can't believe ये चीज़ possible भी कैसे है, and तुम वो ही blue pill line मारोगे, no 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 no, hard work is the key to success। उसके बाद आएगा the phase of anger। Phase of anger में तुम्हें पूरी दुनिया clown world लगेगी, पूरी दुनिया पर गुस्सा आएगा, genetic pill पर गुस्सा आएगा, तुम्हें लोगों पर गुस्सा आएगा, तुमसे कोई सुंदर होगा उस पर गुस्सा आएगा, किसी की हाइट लंबी होगी उस पर गुस्सा आएगा। थर्ड फेज इज डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले फेज में तुम अपनी सारी की सारी होप लूज कर दोगे, बट एज आई सेड लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। एंड लास्ट में आएगी तुम्हारी एक्सेप्टेंस। दिस इज माई फेवरेट पार्ट, एक्सेप्टेंस विदाउट होप। ये मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट लगता है 5 stages ऑफ ग्रीफ का, क्योंकि इस स्टेज में तुम इमोशनली सोचना बिल्कुल बंद कर देते हो एंड तुम सिर्फ लॉजिकली सोचते हो क्या किया जा सकता है, उस पर फोकस करते हो। व्हाट इज नेक्स्ट, उस पर फोकस करते हो। द वर्ड एंड, अब क्या, उस पर फोकस करते हो। मौत, ये चीज सबको एक ना एक दिन तो आनी ही है, एंड डेथ के बाद एवरीथिंग एंड्स, राइट, नथिंग मैटर्स, राइट। जैसा बर्थ से पहले फील होता था वैसे डेथ के बाद फील होगा, राइट। वेल यहाँ पर आई डिसएग्री। आई बिलीव मेरी बॉडी में सिर्फ मैं ही नहीं रहता हूँ, मेरे 10,000+ एंसेस्टर्स भी रहते हैं जो कि मेरी इसी जीन कोड में सर्वाइव कर रहे हैं, इसी बॉडी में किसी फॉर्म में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके सैक्रिफाइसेस रहते हैं, उनकी लेगेसी रहती है, एंड द ओनली वे मेरी लेगेसी फ्यूचर में अलाइव रहेगी वो है मेरे चिल्ड्रन के थ्रू, मेरे डिसेंडेंट्स के थ्रू। तुम इसे मेरा कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हो या फिर भोलापन भी, पर आई 100% बिलीव दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। आई कुड बी रॉन्ग।
15 साल की उम्र में इतनी हार्ड हिटिंग ब्लैक पिल ट्रुथ से गुजरने के बाद, ब्रूचुअल रियलिटी से इफेक्ट होने के बाद, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीव को फेस करने के बाद और लाइफ को लॉजिकल अप्रोच से देखने के बाद, मैंने लाइफ को इतना ज्यादा लॉजिकली देखना शुरू कर दिया है कि फॉर मी जो 80 साल मैंने जीवित रहना है इज लाइक अ टेस्टिंग फेज, जहां पर मुझे सिर्फ कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिनसे मैं अपने डिसेंडेंट्स के थ्रू ही एक हायर क्वालिटी लाइफ जी लूं। मेरे पास भले ही गॉडली जेनेटिक्स ना हो, मेरे पास भले ही जनरेशनल वेल्थ ना हो, पर मेरे डिसेंडेंट्स के पास एक अली जफर जैसी अनफेयर एडवांटेज होनी चाहिए, एक अली जफर के सगे भाई जैसी अनफेयर एडवांटेज होनी चाहिए। क्योंकि लेट अस बी ऑनेस्ट, वैसे तो मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, जवान हूँ, बट अगर मैं लॉजिकली देखूं और अगर मैं सिर्फ 80 साल जीने वाला हूं तो मैं अपनी 25% लाइफ जी चुका हूं। और 60 साल की उम्र से 80 साल की उम्र के जो 20 साल हैं वो यूजलेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के पास कुछ भी करने की पावर नहीं बचती है। दैट मींस मेरी 50% लाइफ इज ओवर, मेरे पास अब सिर्फ 50% जीवन बचा है, जो कि हर 365 दिन बाद ड्रास्टिकली कम होता जाएगा। ऑल आई हैव लेफ्ट विद मी आर 40 मोर इयर्स। अभी नेक्स्ट 40 इयर्स में इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिकम अ बॉक्सर, प्रोफेशनल सिंगर, एथलीट, बिकॉज इन चीजों के लिए या तो ब्रॉक लेसनर जैसे कि आप 30 की एज में भी UFC वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, या फिर आप में एक इमेंस डेडिकेशन चाहिए जो कि 5 साल की उम्र में शुरू होती है। माई टाइम इज अप। मैं दोनों में से एक चीज भी नहीं कर सकता। मेरे पास ना ही उतने सुपीरियर जेनेटिक्स हैं एंड ना ही मैंने बचपन से किसी स्किल पर इतना डेडिकेशन के साथ फोकस किया है। देर इज नो होप लेफ्ट फॉर मी, बट लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। द ओनली थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ इज मेक माई सन अ चैड। मैं अपने फ्यूचर में होने वाले बेटे को उसके जेनेटिक्स मैक्सिमाइज करवा सकता हूँ। एंड अगर आपने मेरी इंडियन जेनेटिक्स आर वीक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो इंडियन ब्लड लाइन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, उसमें इमेंस पोटेंशियल है। अगर हम उसको मैक्सिमाइज करवाएं तो माइंड एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज दोनों में हमारे जेनेटिक्स टॉप लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने फ्यूचर में होने वाले सन के लिए इतने सारे पैसे कमा सकता हूँ कि मुझे घी का डब्बा किचन में छुपा के ना रखना पड़े अपने पापा की तरह। मैं उसको बचपन से ही वर्कआउट्स करवा सकता हूँ ताकि उसको अपनी 17 साल तक की उम्र एक स्किनी फैट बॉडी में ना बितानी पड़े, एंड अ लॉट मोर। नाउ आई नो तुम में से कई लोगों को हंसी भी आ रही होगी ये सोचकर कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बट ट्राई थिंकिंग इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, व्हाट अदर ऑप्शंस डू आई इवन हैव लेफ्ट। अपने डिसेंडेंट्स को 10 out of 10 लाइफ देने के सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ। नाउ यू माइट से कि भाई तू चुपचाप अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज कर, लड़कियां स्लेकर, हुकअप्स कर, क्लब में घूम, वैलिडेशन पा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल, मेरा पर्पस इज नॉट सो स्मॉल कि मैं अपनी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही फुलफिल करता रहूं। माय पर्पस इज टू लीव अ लेगेसी 100 इयर्स फ्रॉम नाउ जिसमें लोग मुझे याद रखें, फिर चाहे वो मेरे डिसेंडेंट्स ही क्यों ना हो। आई जस्ट गेट गूज़बम्स इमेजिनिंग अ फ्यूचर ऑफ ईयर 3089 जब मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडसन मेरी फोटो देखकर बोले कि ये हमारे दादा थे जिनकी वजह से आज हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इतने हाई हैं। अब मुझे पता है आप सबके लिए तो आइडियल सिचुएशन यही है कि बस आप खुद चैड बन जाओ, गुड लुकिंग हो जाओ, हु केयर्स अबाउट एनीवन एल्स। बट इवन देन तुम अपने फ्यूचर सन को एक बेटर लाइफ गिफ्ट कर सकते। आई मीन इसमें बुराई ही क्या है, बिकॉज यू माइट नेवर बिकम अ चैड बट योर सन कैन बी।